Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the different types of audit we are going to deal with. So aaj hum different types of audit ke bare mein baat karne wale hai, aur ye pure video mein main aapke sare types ke audit revise karwane wala hu. To waise to ye kafi bada topic hai, but isko agar hum thode short mein padhe to is base pe aapke sare audits के टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे और जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एज वेल एज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस एग्जाम्स के रिलेटेड लाते रहता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑडिटिंग क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं. ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. और ये जो एंड लॉस एंड बैलेंस शीट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. सो ऑडिटिंग रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू एसर्टेन एंड गिव ओपिनियन वेदर सच रिकॉर्ड शो ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू रिलेटेड टू वॉट? True and fair view related to the financial statements, which is called as the balance sheet and profit and loss account. अब audit जो है दो type का होता है, एक होता है statutory audit और एक होता है non-statutory audit, जिसको हम voluntary audit के नाम से भी जानते हैं. तो statutory audit के बारे में पहले पढ़ेंगे. देखो statutory audit का मतलब होता है compulsory audit. statutory audit का मतलब होता है ऐसा audit जो law के तरफ से compulsory किया गया है, that is which is compulsory under a statute. statute का मतलब होता है law. और ये जो audit है ये इसके रिलेटेड सारे जो प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट के होंगे, सारे जो प्रोविजंस है वो लॉ के होंगे, और वो लॉ के बेसिस पे ही हमको सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे फॉर डूइंग द ऑडिट. इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है द ऑडिटर हैज़ टू फॉलो द वेरियस प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ. तो जैसे लॉ के बेसिस पे प्रोविजंस किए हैं वैसे ही हमें प्रोविजंस फॉलो करने पढ़ेंगे. इसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं तो देखो कंपनीज को सारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, बैंक्स को सारे बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अगर हम एग्जांपल ले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 का प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है. वैसे ही देर आर डिफरेंट एग्जांपल्स वी कैन टेक, सच एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो जिसमें LIC आता है, ICA आता है, RBI आता है, सारे प्रोविजन्स उनको अपने बेस पे फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे. मतलब अगर हम सिंपल चीज़ इसमें देखें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स ऐसे ऑडिट्स हैं जिसमें हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ के बेसिस पे फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी ऑडिट्स. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आर ऑडिट्स विच आर कंपल्सरी अंडर अ स्टैट्यूटरी लॉ, द ऑडिटर हैज़ टू फॉलो द प्रोविजंस. अगला पॉइंट देखते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स. अब ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आर ऑडिट्स दैट आर नॉट कंपल्सरी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में गेट सच ऑडिट्स कंडक्टेड वॉलेंटरली. तो ये ऑडिट्स जो होते हैं वो कंपल्सरी नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने बेसिस पे ये ऑडिट को वॉलेंटरली कंडक्ट कर सकता है. इस टाइप के ऑडिट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑडिट क्यों किया जाता है? ऑडिट इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट्स कुछ भी फ्रॉड कर रहा है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट्स ने कुछ भी एरर्स किए हैं इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो पता नहीं चलेगा जब तक उनको कोई चेक नहीं करेगा. इसीलिए ऑडिट किया जाता है, ताकि ऑडिट इज नथिंग बट चेकिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स में डिफरेंट टाइप से, जस्ट सच एज सिस्टम्स ऑडिट किया जाता है, ऑपरेशंस ऑडिट किया जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है, एनवायरमेंट ऑडिट किया जाता है, इंटरनल ऑडिट किया जाता है, बहुत सारे टाइप्स है. दिस इज ऑल रिलेटेड विद द नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स एज कंसर्न. तो फिलहाल हमने दो चीज़ें पढ़ी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स. स्टैट्यूटरी ऑडिट्स का मतलब होता है ऐसा ऑडिट जो लॉ के बेसिस पे फिक्स है एंड विच इज कंपल्सरी अंडर अ स्टैट्यूट और अ लॉ. और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स मतलब ऐसे ऑडिट्स विच आर नॉट कंपल्सरी. तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है. तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे. सबसे पहला है कंटिन्यूस ऑडिट.
सो वॉट डू यू मीन बाई कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब है इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑडिटर कंडक्ट्स ऑडिटिंग प्रोसेस एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर. देखो कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि पूरे साल ऑडिटर ऑडिट ही करते रहेगा. कंटिन्यूअस ऑडिट रेफर्स टू एन ऑडिट इन विच ऑडिटर कंडक्ट्स ऑडिटिंग प्रोसेस एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब पूरे 365 डेज वो कोई ऑडिट नहीं करने वाला है, वो मंथली बेसिस पे समझो दो बार आएगा, मंथली बेसिस पे तीन बार आएगा, मतलब रेगुलर इंटरवल्स में आ सकता है. पूरे साल में 10 से 15 बार वो आके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा है. तो उसमें क्या होता है, हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे के सारे हम कवर नहीं कर पाते, बट ओवरऑल अगर सारी चीज़ें देखें तो हम उससे रिलेटेड प्रॉपर ऑडिट कर पाएंगे. जैसे ये टाइप का ऑडिट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करता है. अगर हमारे ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा है तो ऑडिटर का विजिट पड़ जाएगा. अगर हमारे ट्रांजैक्शंस कम है तो ऑडिटर का विजिट जो है वो कम हो जाएगा. तो व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑडिटर जो है वो ऑडिट करने आता है, ऑडिट प्रोसेस फॉलो करता है रेगुलर इंटरवल्स के बेस पे. मतलब गैप ले लेके, जैसे एक महीने में दो बार आएगा, फिर सेकेंड महीने में एक बार ही आएगा अगर उसने पहले मंथ में सब कुछ कर लिया तो. तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस ऑडिट. अभी हम सेकेंड टाइप के ऑडिट की बात करें. कंटिन्यूअस ऑडिट के ऊपर मेरिट्स डीमेरिट्स ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्पेसिफिक ऑडिट के ऊपर, तो वो भी आप पढ़ के रखें. काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल होंगे, आप उसमें से पढ़े. आज हम फिलहाल सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑडिट के मीनिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो नंबर वन इज कंटिन्यूअस ऑडिट. नंबर सेकेंड है फाइनल ऑडिट और एनुअल ऑडिट. फाइनल ऑडिट देखो नाम से ही काफ़ी ईजी है वो. फाइनल ऑडिट का दूसरा नाम होता है एनुअल ऑडिट. एनुअल ऑडिट मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो कभी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को. तो 31 मार्च के तुरंत बाद अगर ऑडिट किया जाएगा, मतलब सब कुछ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ऑडिट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल ऑडिट. ये कंटिन्यूअस ऑडिट के पूरे ऑपोजिट है. तो फाइनल ऑडिट को दूसरा नाम है एनुअल ऑडिट. इट रेफर्स टू एन ऑडिट विच जनरली स्टार्ट्स आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सो अवर अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 1 अप्रैल इट स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन 31 मार्च. तो आफ्टर 31 मार्च ऑडिटर विल कम एंड डू द ऑडिट एंड दिस इज कॉल्ड एज फाइनल ऑडिट या एनुअल ऑडिट. तो काफ़ी ईजी है. पहला कौन सा है? कंटिन्यूअस ऑडिट. दूसरा है फाइनल और एनुअल ऑडिट. तीसरा, थर्ड टाइप का ऑडिट है इंटरिम ऑडिट. देखो इंटरिम ऑडिट, आपने एक इंटरिम डिविडेंड करके नाम सुना होगा. इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड जो कंपनी 6 महीने में एक बार देता है. मतलब कंपनी को अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, उसमें से सर्टन परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगा. तो कंपनी पूरे साल में एक ही बार डिविडेंड पे करता है, विच इज कॉल्ड एनुअल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड. सिमिलरली 6 मंथ्स के बीच में एक बार डिविडेंड दे दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स का, तो शेयर होल्डर्स को 2 डिविडेंड मिलेंगे. एक बार फाइनल डिविडेंड भी मिलेगा, एक बार इंटरिम डिविडेंड भी मिलेगा 6 मंथ्स में एक बार, दैट इज इंटरिम डिविडेंड. उसी से ये वर्ड इंटरिम ऑडिट है. इंटरिम ऑडिट का मतलब है साल में 2 बार ऑडिट करेंगे, जैसे 6 मंथ्स के गैप में. इंटरिम ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जैसे हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके सारा ऑडिट किया जाएगा. फिर अगेन 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका सबका ऑडिट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम ऑडिट. तो इंटरिम ऑडिट बहुत सारे केसेस में यूजफुल होता है, तो इंटरिम ऑडिट भी एक टाइप ऑफ ऑडिट बन जाएगा. तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज कंटिन्यूअस ऑडिट. सेकेंड टाइप ऑफ ऑडिट is the final or annual audit. Third type of audit is interim audit. And the last and the fourth type of audit is balance sheet audit. So balance sheet audit एक काफ़ी important concept है जो type of audit में है. Balance sheet audit में हम क्या करते हैं, हम हमारे balance sheet के items जो है assets as well as liabilities उनको check करते हैं. So balance sheet audit is an audit in which all the balance sheet items are verified and only those items in profit and loss account are verified which are directly related to assets and liabilities. So we are not only checking balance sheet but we are also checking the profit and loss, but only those profit and loss account items will be checked which will have a direct impact on the balance sheet. Jaise ki aise kuch points hote hain jo hum balance sheet mein likhte hain lekin uske jo adjustments hum karte hain वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं. जैसे हम फिक्स असेट्स की अगर बात करें
तो फिक्स असेट्स पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो हम फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऐसे पॉइंट्स को भी चेक किया जाएगा जो पॉइंट्स प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली इफेक्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स बैलेंस शीट के पॉइंट्स पी एंड एल में जा रहे हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स को भी चेक किया जाएगा। वी कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बैलेंस शीट में भी लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट ऑडिट में हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस शीट ऑडिट में हम बैलेंस शीट के असेट्स को, बैलेंस शीट्स के लाइबिलिटीज़ को प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे और उनका ऑथेंटिकेशन को भी चेक किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द टर्म बैलेंस शीट ऑडिट। तो ये सारे टाइप्स के ऑडिट मैंने कुछ ब्रीफ में आपको बताया है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप अगर देखोगे तो आपको बुक्स में हर एक टाइप के ऑडिट के ऊपर उसके एडवांटेजेस और मेरिट्स और लिमिटेशंस दिए होंगे, तो आप वो भी बेसिकली पढ़ के रखें, बिकॉज एक स्पेसिफिक ऑडिट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो दैट वॉज द पॉइंट, कितने टाइप्स का ऑडिट है क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ के बेसिस पे फिक्स, नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कंपलसरी नहीं है। फिर हमने टाइप स्टार्ट किया, पहला था कंटिन्यूअस ऑडिट, ठीक है, सेकेंड वन था एनुअल ऑडिट, फिर थर्ड वन था इंटरिम ऑडिट, एंड फोर्थ वन था हमारा बैलेंस शीट ऑडिट। तो ये हमारे चार टाइप के ऑडिट्स थे, क्विकली एक बार देख लेते हैं। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर हमने देखा नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, फिर हमने कंटिन्यूअस ऑडिट से स्टार्ट किया, कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल और एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, एंड फिफ्थ नंबर है हमारा बैलेंस शीट ऑडिट। सो यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया, फर्स्ट इज कंटिन्यूअस ऑडिट, सेकंड इज फाइनल और एनुअल ऑडिट, थर्ड नंबर है इंटरिम ऑडिट, मैंने गलती से फोर नंबर डाल दिए, थर्ड नंबर इज इंटरिम ऑडिट एंड फोर्थ नंबर इज बैलेंस शीट ऑडिट। तो चार टाइप के ऑडिट्स है, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप इसके रिलेटेड मेरिट्स एंड एडवांटेजेस पढ़ के रखें। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोज लाते रहता हूँ। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।